हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न की ट्रिपल फिलर्स के कुछ क्वेश्चंस, और ये रियल बैंकिंग क्वेश्चंस हैं। और इंग्लिश सेक्शन में इस समय जितना वेरिएशन देखा जा रहा है उतना किसी और सेक्शन में नहीं देखा जा रहा है, तो इसलिए जितनी ज़्यादा वेराइटी के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा और उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी किसी भी बैंकिंग एग्जाम के प्री और मेन सेक्शन को निकालने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ें examinee.in वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और लॉग इन या साइनअप कुछ नहीं करना है, आपको सीधा ब्लॉग सेक्शन में जाके वहाँ पर आप इंग्लिश सेक्शन के ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये है डायरेक्शन का पार्ट, और डायरेक्शन का पार्ट आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिए जाते हैं। पहले सिंगल फिलर्स होते थे, फिर डबल फिलर्स, और अब ट्रिपल फिलर्स पूछे जा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए सीधा क्वेश्चंस पर ही चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, ठीक है, और इसमें तीन फिलर्स हैं और यहाँ पर नीचे पांच ऑप्शन आप देख सकते हैं। पांच में से कोई से भी तीन जो सूटेबल वर्ड्स होंगे वो यहाँ पर आपको फिल करना है, और उनका जो सीक्वेंस बनेगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं द टेलीकॉम रेगुलेटर हैज़। देखिए, इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, एक तरीका तो ये है कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ें, यहां से लेके एंड तक पूरा सेंटेंस पढ़ें, उसका मतलब निकालें, सारे वर्ड पढ़ें, उनका मीनिंग जानने की कोशिश करें। तो एक तो ये तरीका है जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इलॉजिकल है, ये लॉजिकल है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको सारे वर्ड मीनिंग्स पता हो, आपको सारी इंग्लिश आती हो, ऐसा ऐसा नहीं है। आपको इंग्लिश की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इंग्लिश किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो बैंकिंग एग्जाम में क्या पूछा जाता है इंग्लिश सेक्शन में, इंग्लिश सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग प्लस इंग्लिश की नॉलेज, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग प्लस लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अलग करता है बैंकिंग एग्जाम को दूसरे सभी एग्जाम से। दूसरे सभी एग्जाम्स में प्योर इंग्लिश नॉलेज पूछी जाती है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग प्लस इंग्लिश नॉलेज, ठीक है, ये पूछी जाती है। और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ट्रिक से करना है और कीवर्ड्स के बेस पर करना है। कीवर्ड्स को किस तरीके से अप्लाई करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। और देखिए, प्री एग्जाम में आपको 40 सेकेंड मिलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, मेंस एग्जाम में आपको 1 मिनट मिलता है। लेकिन यदि आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ इंग्लिश के क्वेश्चंस को करते हैं तो विद इन 5 to 6 सेकेंड्स एक क्वेश्चन को आप एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, और वही मैं आपको इस वीडियो क्लास में बताऊंगा। देखिए, द टेलीकॉम रेगुलेटर हैज लगा हुआ है तो क्या मतलब है इसका, हैज लगा हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां पर आपको वर्ब चाहिए और वर्ब की भी थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि हैज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब आप यहां पर देखिए, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, रिकमेंडेशंस नाउन है, एकोमोडेशंस नाउन है, वैसीलेटेड थर्ड फॉर्म है और एंटर्ड थर्ड फॉर्म है, डिफरिंग थर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसमें दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, एंटर्ड और वैसिलेटेड। अब आप एक कीवर्ड देखिए, बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में। तो वैसिलेट का मतलब क्या होता है, वैसिलेट का मतलब यह है कि आपके पास दो ऑप्शन है और आपको उन दो ऑप्शन में से एक को चुनना है। वैसिलेट का मतलब है जैसे दो ऑप्शन के बीच में कोई आदमी कंफ्यूज रहता है, कोई व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, तो उसको हम वैसिलेट बोलते हैं, ठीक है। तो बिटवीन यहां पर एक कीवर्ड है और इसकी मदद से आपको एक लिंक मिल रहा है कि यहां पर केवल और केवल वैसिलेट ही आ सकता है, क्योंकि वैसिलेट जब आप करते हैं तो दो ऑप्शंस या दो चीजों के बीच में ही करते हैं, ठीक है। अब आपको पूरा क्वेश्चन ना नहीं पढ़ना है और सीधा ऑप्शंस पे जाना है, यहां पर केवल वैसिलेट ही आ सकता है, यानी फर्स्ट में आपका थर्ड आएगा। अब इन ऑप्शंस में देखिए कि किस ऑप्शन में पहले स्थान पर ही, पहले स्थान पर मतलब यहां पर थर्ड रखा हुआ है, तो इसमें नहीं है, इसमें है थर्ड फर्स्ट स्थान पर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ सेकंड। अब आप कैलकुलेट करिए कि मैंने आपको आंसर निकाल के दिया कितने सेकंड में निकाल के दिया, 5 या 6 सेकंड मैक्सिमम मैंने निकाल के दिया, जबकि बैंक एग्जाम में आपको टाइम मिलता है 40 सेकेंड और मेंस एग्जाम में 60 सेकेंड। यानी यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बैंकिंग एग्जाम से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। इसका आप प्री और मेंस यदि सही तरीके से अप्रोच करते हैं तो आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
अब देखिए, आपको इस पूरे मैंने इस पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, मैंने सारे वर्ड मीनिंग नहीं लगाए, और मैंने केवल लॉजिकली इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की और सही आंसर तक मैं पहुंच गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड आएगा, फिर सेकंड में इसमें फिफ्थ आएगा यानी रिकमेंडेशन आएगा, और थर्ड में इसमें सेकंड आएगा यानी डिफरिंग आएगा। यहां पर देखिए, डिफर का मतलब पोस्टपोन करना होता है, या डिफर का मतलब डिसएग्री करना भी होता है, और डिफर के बाद हम हमेशा टू लगाते हैं। जैसे आई एम डिफरिंग दिस टू हिम, डिफर डिफर टू, ठीक है, डिफर टू हिम मतलब मैंने मैंने मैं उस व्यक्ति या वस्तु से डिसएग्री करता हूँ, और मैंने फाइनल डिसीजन लेना उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर यदि आप बोलते हैं एंड डिफरिंग टू द श्री कृष्णा कमेटी, मतलब श्री कृष्णा कमेटी से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो डिफर कर रही है, तो इस पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ते हैं और इसका मतलब निकालते हैं। द टेलीकॉम रेगुलेटर हैज़ वैसिलेटेड बिटवीन मेकिंग वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशंस ऑन डेटा प्रोटेक्शन, जनरली इग्नोरिंग देयर इम्पैक्ट ऑन नॉन टेलीकॉम सेक्टर ऑन द वन हैंड एंड डिफरिंग टू द श्री कृष्णा कमेटी ऑन द अदर। मतलब एक तरफ तो ये रिकमेंडेशन कर रही है डाटा प्रोटेक्शन पर, और दूसरी तरफ श्री कृष्णा कमेटी के जो रिकमेंडेशन हैं उनसे वो डिफर कर रही है। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आपको आंसर निकालना है, और इस तरीके से ये एक दिस इज द राइट वे ऑफ सॉल्विंग बैंकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आजाद सेड आर क्रिएटेड बाय फोर्सेज हु वॉन्ट टू द कम्यूनल। अब देखिए, कम्यूनल के साथ नॉर्मली क्या वर्ड आता है, कम्यूनल के साथ आपने यदि आप यदि अखबार पढ़ते हैं तो कम्यूनल के साथ हार्मोनी वर्ड आता है, कम्यूनल हार्मोनी। कम्यूनल हार्मोनी का मतलब है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, जो अलग 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 रीजनल ग्रुप्स हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, उनके बीच में यूनिटी, उसको हम बोलते हैं कम्यूनल हार्मोनी। जो कि इंडिया के अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, अलग 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 कास्ट और क्रीड के लोग हैं, तो कम्यूनल हार्मोनी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में ज़्यादा ज़्यादा प्रीवेलेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये थर्ड है, यानी लास्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका फोर्थ होगा। अब आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है और ऑप्शंस पर जाना है, लास्ट में फोर्थ कहाँ पर है, लास्ट में फोर्थ इस ऑप्शन में है देखिए, और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। यदि ये दो ऑप्शन में होता तो फिर हम उन दोनों ऑप्शंस में डिफ्रेंशिएट करके फिर हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पूरे क्वेश्चन को क्यों नहीं पढ़ा और सारे वर्ड मीनिंग इसलिए नहीं पढ़े, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि कम्यूनल के साथ बाकी सारे वर्ड्स नहीं जुड़ सकते। देखिए, कम्यूनल र्यूमर्स कोई वर्ड नहीं होता, कम्यूनल डिसरप्ट कोई वर्ड नहीं होता, कम्यूनल रैपर्ड कोई वर्ड नहीं होता, कम्यूनल एस्टेब्लिश कोई वर्ड नहीं होता, केवल कम्यूनल हार्मोनी ही एक सही वर्ड कॉम्बिनेशन है, और वो सही वर्ड कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है और किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा फोर। तो इसको मैंने सॉल्व किया 5 to 6 सेकेंड में, और ये रियल क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर यदि आप देखें तो इसमें फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ आपका आंसर है, और ये आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखिए, आजाद सेड आर क्रिएटेड बाय फोर्सेस, मतलब किस चीज को कम्युनल फोर्सेस के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। आजाद सेड आर क्रिएटेड बाय फोर्सेस, बट व्हाट इज क्रिएटेड बाय फोर्सेस, ठीक है, जो कम्युनल फोर्सेस हैं उसके द्वारा किस चीज को हम क्रिएट करते हैं। यहां पर आपको एक नाउन चाहिए, क्योंकि यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब दिए आर, तो आर के पहले यहां पर एक नाउन चाहिए आपको, और नाउन है र्यूमर्स, ठीक है। तो ग्रामर के हिसाब से भी ये सही है और मीनिंग के हिसाब से भी सही है। आजाद सेट र्यूमर्स आर क्रिएटेड बाय फोर्सेस हु वांट टू। अब देखिए, सेकेंड ऑप्शन में आएगा, इसमें आंसर के अकॉर्डिंग इसका जो सेकेंड जो आंसर है वो है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंटरप्ट कर देना, कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई इवेंट चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उसको किसी डिस्टर्बेंस के द्वारा, किसी प्रॉब्लम क्रिएट के द्वारा उसका उसका जो एक स्मूथ प्रोसेस है उसको उसको खत्म कर देना, उसको खत्म उसको इंटरप्ट कर देना, उसको हम बोलते हैं डिसरप्ट, ठीक है। तो डिसरप्ट एक बहुत कॉमन वर्ड है, तो इसमें सेकंड में आएगा डिसरप्ट। आजाद सेड र्यूमर्स आर क्रिएटेड बाय फोर्सेस, आजाद ने कहा था कि र्यूमर्स को कम्युनल फोर्सेस के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो इंटरप्ट करना चाहते हैं किस चीज को, कम्युनल हार्मोनी को, किस कहां पर, कंट्री में। तो ये इसका मतलब है, डिसरप्ट का मतलब होता है इंटरप्ट करना, ठीक है। रैपर्ड का मतलब क्या है, अ क्लोज एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप्स,
एक अच्छी रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, दैट इज कॉल्ड रैपत, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना है और इसका आंसर होगा फोर्थ। अब देखिए, यदि आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखें तो आपको काफी कठिन लगेंगे ये क्वेश्चंस। आप देखेंगे कि यहां पर एक सेंटेंस दिया है, उसमें तीन ऑप्शन है, यहां पर सारे वर्ड मीनिंग आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्बिनेशन बनाना है यहां पर। लेकिन यदि आप लॉजिकल रीजनिंग और ट्रिक से करते हैं तो इन क्वेश्चंस को करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द अपोजिशन सेड इफ द सेंटर फेल टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट्स ओन मिनिस्टर्स एंड एमपीज हु गार्लैंड द ऑफ मॉब लिंचिंग द ऑफ फेक न्यूज कुड नेबर बी। अब देखिए, यहां पर भी मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं कि बी कुड नेबर बी, कुड बी शुड बी माइट बी, ये पैसिव वॉइस होते हैं और इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें कहां पर है? वर्ब की थर्ड फॉर्म केबल और केबल रिजॉल्व है, यानी लास्ट ऑप्शन जिसमें फिफ्थ होगा वो आपका इसमें आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन फिफ्थ, केबल फिफ्थ में है, यानी आपका आंसर होगा फिफ्थ। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया केवल 2 या 3 सेकंड में, और काफी टफ क्वेश्चन देखने को लग रहा है, काफी वर्ड्स हैं इसमें, गार्लैंड है, मॉब लिंचिंग है, इनके मीनिंग भी नहीं पता होंगे। तो जो रैंकर्स और टॉपर्स होते हैं, आई एम 100% श्योर, वो इसी ट्रिक को अपनाते हैं और ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको कन्विक्ट का मीनिंग पता हो, कल्प्रिट का मीनिंग पता हो, मैनस क्या होता है इसका मीनिंग पता हो। अगर पता है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन नहीं भी पता है तो आप लॉजिकल रीजनिंग से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या निकाला? मैंने फिफ्थ निकाला। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में सेकंड ऑप्शन आएगा, यानी फर्स्ट में कल्प्रिट्स आएगा, ठीक है, सेकंड में फोर्थ आएगा यानी मैनस आएगा। अब देखिए, द अपोजिशन सेड इफ द सेंटर फेल टू टेक एक्शन, अपोजिशन ने बोला कि यदि सेंटर फेल हो जाता है, यदि जो जो पावर में जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है एक्शन लेने में, अगेंस्ट इट्स ओन मिनिस्टर एंड एमपीस, अपने खुद के मिनिस्टर्स और अपने खुद के एमपीस के अगेंस्ट ये डिसीजन लेने में या एक्शन लेने में असफल रहती है, हु गार्लैंड द, यहां पर आएगा आपका कल्प्रिट्स, मॉब लिंचिंग मतलब मॉब लिंचिंग जैसे एक भीड़ है और भीड़ को लग रहा है कि ये व्यक्ति गलत है तो उसको वो अटैक करने लगेंगे, उसको हम बोलते हैं मॉब लिंचिंग, कल्प्रिट्स ऑफ मॉब लिंचिंग द। अब देखिए, दा के आगे क्या आएगा? दा के आगे केवल नाउन ही आ सकती है और नाउन है इसमें मैनस, ठीक है। मैनस का क्या मतलब है? यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है, अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो थ्रेट को क्रिएट कर सकता है, जो डेंजर या हार्म को क्रिएट कर सकता है, जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मैनस। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि नाक में दम, इसने मेरा नाक में दम कर दिया है, मैनस मतलब एक बहुत मुसीबत या परेशानी या खतरा, उसको हम बोलते हैं मैनस। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, अ थ्रेट और डेंजर, तो ये होता है मैनस का मतलब। यहां पर मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस भी दिया है। अब देखिए, कल्प्रिट और कन्विक्ट में क्या अंतर है? कन्विक्ट का मतलब है कि एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है और वो कोर्ट में उसको ले जाया गया, और कोर्ट में ले जाने के बाद उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसको हम बोलते हैं कन्विक्ट। जिसके ऊपर केवल आरोप लगा है उसको हम बोलते हैं एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब उसके ऊपर आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ, कन्विक्ट मतलब सिद्ध हो गया। तो यहां पर मॉब लिंचिंग जो करते हैं वो कन्विक्ट्स नहीं है, क्योंकि मॉब लिंचिंग एक भीड़ होती है, तो उसके ऊपर आप कैसे आरोप सिद्ध करेंगे? वो कल्प्रिट्स होते हैं, वो कन्विक्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा फिफ्थ। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, और ये रियल बैंकिंग क्वेश्चंस हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं यदि आप लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, इसको भी मैं फिर से बताऊंगा। प्रसाद सेड आ लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर आपको एक नाउन चाहिए, और नाउन इसमें से एक तो है प्रोग्राम, एक है कैंपेन, एक एक्सपेंशन। तो देखते हैं क्या आ सकता है यहां पर। टू एजुकेट स्कूल चिल्ड्रन, टू एजुकेट स्कूल चिल्ड्रन, यहां पर प्रोग्राम या कैंपेन में से आ सक एक कोई एक आ सकता है। टू एजुकेट स्कूल चिल्ड्रन अबाउट द मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर फॉर फॉल्स न्यूज। देखिए, सोशल मीडिया जो होता है उसका हम यूज कैसे करते हैं? फेक न्यूज। यहां पर देखिए, इन दो वर्ड्स को जोड़ने की कोशिश करिए। सोशल मीडिया फॉल्स न्यूज के साथ क्या करता है? सोशल मीडिया फॉल्स न्यूज, झूठी न्यूज के साथ क्या करता है? वो उनको फैलाता है। सोशल मीडिया क्या पर्पज है? फैलाता है उनको।
तो यहां पर सेकंड में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका एक्सपेंशन, एक्सपेंड करता है, फैलाता है, यानी सेकंड में फोर्थ जो वर्ड है वो आएगा। अब सेकंड में फोर्थ कहां पर है? सेकंड में फोर्थ केबल और केबल यहां पर है, आपका आंसर होगा फिफ्थ। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। पिसास सेड नहीं, इसमें देखते हैं यहां पर। पिसास सेड फर्स्ट में थर्ड होना चाहिए, एक सेकेंड फिर से करते हैं इसको। पिसास सेड यहां पर चलो कैंपेन को लगा के देखते हैं। अ कैंपेन टू एजुकेट स्कूल चिल्ड्रन अबाउट द मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर, यहां पर हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट में हो जाएगा थर्ड। प्रसाद सेड अ कैंपेन टू एजुकेट स्कूल चिल्ड्रन अबाउट द मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ गलत हो गया ये। यहां पर आएगा एक्चुअली, यहां पर आएगा लास्ट में, एक्चुअली अप दिया हुआ है तो अप के साथ आप जोड़ सकते हैं टेकन को, टेकन अप। ठीक है, तो लास्ट में आएगा सेकंड, लास्ट में आएगा सेकंड, तो आपका आंसर फिफ्थ नहीं होगा, आपका आंसर वो ये होगा। हाँ ये होगा थर्ड, पहले में थर्ड और उसके बाद फिफ्थ और सेकंड, ये आंसर होगा। प्रोपोगेशन आएगा यहां पर, प्रोपोगेशन का मतलब भी फैलाना होता है एक्चुअली। प्रोपोगेशन एक्चुअली एक्सपेंड फिजिकल सेंस में यूज होता है, किसी चीज को हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, प्रोपोगेट का मतलब एक्चुअली स्प्रेड या फैलाना होता है, तो यहां पर फिफ्थ आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक्सपेंशन नहीं आएगा, एक्सपेंशन की जगह प्रोपोगेशन आएगा, प्रोपोगेशन का मतलब भी फैलाना होता है। तो यहां पर देखिए स्प्रेड, डिसेबिनेशन और प्रोमलगेशन, ये भी प्रोपोगेशन के मतलब हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। फर्स्ट में आएगा इसमें थर्ड यानी कैंपेन, फिर आएगा सोशल मीडिया फॉर प्रोपोगेशन ऑफ फॉल्स न्यूज विल बी टेकन अप। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये थे रियल बैंकिंग क्वेश्चंस, और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर तो इस तरह के वीडियो क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। आप इस चैनल के सारे वीडियो क्लासेस देखिए और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। और इस तरह के वीडियो क्लासेस में SBI PO, SBI क्लर्क, दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए डालता रहूँगा। और आपको यदि इंग्लिश सेक्शन को तैयार करना है एक प्रोफेशनल तरीके से तो आप मेरे ई कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वहाँ से आप 1 ईयर वैलिडिटी वाला हमारा बैंक PO का ऑनलाइन ई कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए, और इससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको प्री मेंस और GDPI के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।